हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे चिकन मलाई कोफ्ता। आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम कोफ्तों की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पे लिया है मैंने आधा किलो चिकन का कीमा, जिसके अंदर मैं ऐड करने जा रही हूँ तकरीबन 50 ग्राम पनीर। ये मैंने क्रश करके रखा हुआ है, इसलिए इतना लग रहा है। एक चम्मच ऐड करेंगे लाल मिर्च पाउडर, दो कटी हुई हरी मिर्च, एक चम्मच है जिंजर गार्लिक का पेस्ट, आधा चम्मच जाएगा गरम मसाला पाउडर, आधा चम्मच जाएगा जीरा पाउडर, ये कुटा हुआ जीरा लिया है मैंने, एक चम्मच ऐड करेंगे नींबू का रस, नमक चला जाएगा इसमें एज पर टेस्ट। और इन सबको हम अच्छे से ब्लेंडर में पीस लेंगे और एक पेस्ट रेडी कर लेंगे इसका। आई एम सॉरी, मैं बताना भूल गई, उस पेस्ट में एक अंडे की सफ़ेदी भी जाएगी। ये हमने जो हमारा कोफ्ते का पेस्ट है वो रेडी कर लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 से 3 टेबलस्पून रोस्टेड चने का दाल। जो रोस्टेड चना दाल होता है उसको आपने पीस लेना है, या तो जो सादा बेसन है उसे आप हल्का सा रोस्ट कर लीजिए और इसमें ऐड कर लीजिए। अराउंड 2 से 3 चम्मच हरा धनिया ऐड करेंगे। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। आइए इसके कोफ्ते बना लेते हैं। दोनों को हाथों को आपको अच्छे से ग्रीस कर लेना है ऑयल से, और उसके बाद अपने हाथ में कोफ्तों की छोटी छोटी बॉल्स बनानी है। साइज आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं, जितना भी रखना चाहें, बट मेक श्योर करिएगा कि उसमें कोई क्रैक्स ना हो, वरना आपके कोफ्ते फटने लगेंगे। ये देखिए, बिल्कुल स्मूथ सा कोफ्ता रेडी किया है। और इसी तरीके से मैं अपने बाकी सारे कोफ्ते हैं वो भी बना लूँगी। ये हमने सारे कोफ्ते बना के रेडी कर लिए हैं। आइए इसे फ्राई कर लेते हैं। एक नॉनस्टिक पैन में हमने लिया है तेल, और जैसे ही हमारा तेल गर्म हो जाता है हम इसमें हमारे कोफ्ते ऐड कर लेंगे। फ्लेम को हम लो पे ही रखेंगे, लो से मीडियम के बीच में हमने इसे फ्राई करना है। और मेक श्योर करिएगा कि आप फ्लेम हाई ना रखें, वरना कोफ्ते फट जाएंगे। एक एक करके हम कोफ्ते को टर्न कर लेंगे, और बड़े ध्यान से टर्न करना है हमें, कि ताकि ये टूटे नहीं। बहुत ही अच्छा सा गोल्डन कलर आया है। जब ये दूसरी साइड से भी इसी तरह से गोल्डन हो जाएगा हल्का सा, तो हम निकाल लेंगे। ज़्यादा देर तक हमने इसे नहीं फ्राई करना है। ये हमने हमारे कोफ्ते फ्राई करके निकाल लिए हैं। तकरीबन 5 से 6 मिनट लगा हमें इसे फ्राई करने में, और देखिए कितना खूबसूरत सा गोल्डन कलर आया है। अगला स्टेप देख लेते हैं। उसी पैन में मैंने एक्स्ट्रा ऑयल निकाल लिया और 1 बड़ा चम्मच जितना तेल रहने दिया है, और इसमें मैं ऐड कर लूँगी 4 से 5 लौंग, 1 चम्मच शाही जीरा, शाहजीरा भी जिसे कहते हैं, 4 हरी इलायची और 1 तेज पत्ता। इसे 1 मिनट तक सौते करने के बाद इसमें हम ऐड कर लेंगे पिसा हुआ प्याज। ये मैंने 2 मीडियम साइज के प्याज लिए थे, जिसको पीस लिया है। इसको भुनेंगे जब तक इसकी जो कच्ची स्मेल है वो खत्म ना हो जाए। प्याज का कलर देखिए बहुत अच्छे से चेंज हो गया है, इसकी जो कच्ची स्मेल है वो भी ख़त्म हो चुकी है। अब इसमें ऐड कर लेंगे जिंजर गार्लिक का पेस्ट 1.5 चम्मच, और इसे भी 1 मिनट तक भून लेंगे ताकि इसकी भी जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। जिंजर गार्लिक पेस्ट को भी हमने अच्छे से भून लिया है। अब इसमें सूखे मसाले ऐड कर लेते हैं, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, अराउंड 3 चम्मच है धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच है गरम मसाला पाउडर। मिक्स करते हुए भुनेंगे। ये थोड़ा सा ड्राई लग रहा है, नीचे लगे ना, इसके लिए मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ इसमें।
सारे साले हमारे अच्छे से भुन चुके हैं और ये किनारों से जो है वो तेल भी सरफेस पे आने लगा है। मेक श्योर करिएगा कि आप सारे मसाले अच्छे से भुनें, वरना हल्का सा भी कच्चापन रह जाएगा तो आपका जो ग्रेवी है उसका टेस्ट बिल्कुल ही ख़राब सा आएगा। अब इसमें ऐड करेंगे टमाटर का पेस्ट। दो टमाटर को पीस लिया है मैंने। इसे अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद इसे हम ढक देंगे और तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए पकने देंगे, जिसमें कि जो टमाटर की कच्ची स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। टमाटर हमारे अच्छे से भुन गए हैं, सारी स्मेल जो थी वो ख़त्म हो चुकी है। अब इसमें ऐड करेंगे काजू और खसखस का पेस्ट। 2 चम्मच खसखस को हल्के से रोस्ट करके 10 से 12 काजू के साथ मैंने पीस लिया है। इसी में ज़रा सा पानी डाल के इसमें ऐड कर लूँगी। साथ ही में इसमें ऐड करेंगे 2 से 3 चम्मच दही, ये मैंने ऑलरेडी फेंट के रखी हुई है। सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आखिर में इसमें जाएगा सॉल्ट एज पर टेस्ट। मिला लेंगे सबको। दही और कैश्यू का पेस्ट ऐड करके भी हमने इसे 3 से 4 मिनट तक लो फ्लेम पे अच्छे से सेका है, ताकि इसके अंदर की कोई भी कच्चापन हो तो वो ख़त्म हो जाए। अब इसमें हम ऐड कर लेंगे पानी। जितनी आप ग्रेवी की कंसिस्टेंसी रखना चाहते हैं उस हिसाब से आप इसमें पानी ऐड करिएगा। मैंने इसमें 3/4 ग्लास जितना पानी ऐड किया है। फ्लेम हाई करेंगे और इसे एक बॉईल आने देंगे। इसमें ये बबल्स आ चुके हैं। अब हम इसमें धीरे धीरे करके हमारे जो कोफ्ते हैं वो ऐड कर लेंगे। और ऐड करने के बाद हमें इसे हिलाना नहीं है, वरना कोफ्ते टूटने लगेंगे। आप चाहें तो हल्के से इस तरह से पैन आप हिला सकते हैं और इसे हम लो से मीडियम फ्लेम पर रखकर 10 मिनट के लिए ढक देंगे। बीच बीच में अगर आप चाहें तो पैन को हिला के आप कोफ्ते को हिला सकते हैं। तकरीबन 5 से 7 मिनट से हमारे कोफ्ते पक रहे हैं। इसमें मैं ऐड कर लेती हूँ थोड़ा सा हरा धनिया, ज़रा सा हम गार्निशिंग के लिए बचा लेंगे। 2 कटी हुई हरी मिर्च, क्योंकि इसका फ्लेवर जो है वो काफ़ी माइल्ड है, उसे बैलेंस करने के लिए हमने ये हरी मिर्च ऐड की है। बस हल्के से स्टर करते हुए उसे ढक देंगे और 10 मिनट के लिए पकने देंगे। हमारे कोफ्ते पिछले 15 मिनट से पक रहे हैं और ये बिल्कुल रेडी है। आप देख पा रहे होंगे सारा ऑयल सरफेस पे आ गया, ग्रेवी हमारी पूरी तरह से पक चुकी है। अब इसमें आखिरी इंग्रेडिएंट ऐड कर देंगे, फ्रेश क्रीम। 100 ग्राम फ्रेश क्रीम लिया है हमने। एक बार हल्के से मिक्स कर देंगे। ये बिल्कुल रेडी है, इसे डिश आउट कर लेंगे। तैयार है हमारा चिकन मलाई कोफ्ता। ज़रूर ट्राई करिएगा और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, बाय।